विश्व विख्यात ज्वालामुखी मंदिर में शुक्रवार 12 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू होने के उपलक्ष्य पर पुजारी वर्ग विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए जप पूजा लगातार 9 दिन तक करेंगे। ये गुप्त नवरात्र 20 फरवरी तक चलेंगे। विश्व विख्यात ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ विशेष तौर पर SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा द्वारा विधिवत पूजन संकल्प कन्या पूजन से किया जाएगा। व नवरात्रों के दौरान अनुष्ठान पर बैठने वाले लगभग ब्राह्मणों और पुजारियों को संकल्प दिलाया जाएगा। पुजारी महासभा प्रधान पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने बताया कि गुप्त नवरात्रों के दौरान विश्व शांति व विश्व कल्याण के लिए माँ ज्वाला के मूल मंत्र बटुक भैरव गणपति गायत्री व अन्य जप व पाठ किए जाएंगे। न्यास की ओर से प्राचीन परंपराओं को बरकरार रखा जाएगा। अनुष्ठान के 9वें दिन हवन पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन देश विदेश से मां के भक्त हवन में आस्था व श्रद्धा की आहुतियां डालकर पुण्य फल प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि विश्व शांति व जन कल्याण के लिए साल में 2 बार होने वाले गुप्त नवरात्र के लिए मंदिर न्यास कृत संकल्प है। आयोजन में भाग लेने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अवसर पर मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि गुप्त नवरात्रों का आगाज हो रहा है और कोविड SOP की पालना करते हुए सारा आयोजन किया जाएगा। आज से शुक्रवार से गुप्त नवरात्र जो है माता जी के शुरू हो रहे हैं और ये बड़े ही विशेष गुप्त पूजन हेतु दिन कहे गए हैं। इसमें किया हुआ जप तप यज्ञ कई सहस्त्र गुणा फलदायी होता है और ये जो मौसम है बड़ा ही सुहाना बना हुआ है। पहले तो सर्दी थोड़ी कम हो गई थी लेकिन आज थोड़ी धुंध पड़ी है और इससे थोड़ा सा सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन सर्दी तो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है और यात्रियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन मंदिर में बढ़ती जा रही है क्योंकि अब नवरात्रि आ रहे हैं और नवरात्रों में जो गुप्त हमारे जो गुप्त नवरात्रे हैं ज्वाला जी में, इसमें माता जी का सत्यंडी का विशेष जो है एक आयोजन होता है जिसमें माँ माँ का गणपति मूल मंत्र गायत्री बट का आराधना की जाती है और महामाई से प्रार्थना की जाती है कि महामाई सब प्राणियों का विश्व में कल्याण हो और आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे और ये जो विपत्तियां आई हैं इन सब का निराकरण हो जाए और ये जो हमारा जो ये सारा संसार है ये सुखमय जीवन जो है वो आपके आशीर्वाद से सभी लोग जो हैं वो अपने कारोबार में तरक्की करें और जिनके भी जो कष्ट आया हुआ महामाई उनको दूर करे। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समस्ते व्यस्ता दुर्गा देव्य नमः। ओम ज्वाला क्राल मृत्युगम शेषा सुर सुजन त्रिशूर पातुने भीते भद्रकारी नमोस्तुते। अर्थात ये महामाई का जो त्रिशूल आप देख रहे हैं इनके तीनों सूलों से निकली हुई जो देवी हैं महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति के रूप में ये जो ज्वालाएँ हैं ये सभी विपत्तियों का नाश करती हैं और भक्तों को अभय मुद्रा प्रदान करती हैं और मैं महामाई ज्वाला से प्रार्थना करूंगा कि महामाई सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जो भी भक्त यहाँ आना चाहते हैं नवरात्रों में मैं उनका विशेष रूप में बड़ा ही उनका सत्कार करूंगा कि इस बार इस भव्य योजन में वो भी आने का महामाई का दर्शन करने का मौका ले। जय माता की सभी व्यवस्थाएं की हुई है और ये गुप्त नवरात्रे जो है ज्वाला जी में साल में जैसे हमारे चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो हमारा हिंदू संवत शुरू होता है और एक अश्विन मास जो है दीपावली से पहले नवरात्रे होते हैं वो आम नवरात्रे कहे गए, लेकिन ये जो है अपने माघ मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होते हैं और एक अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होते हैं। इनको पूरे साल में जो ये 2 नवरात्रे को गुप्त नवरात्रों की संज्ञा दी गई है और ये जो है हमारी गुप्त शक्तियाँ हैं जिसमें महामाई की विशेष जो है जितने भी शक्तिपीठ हैं यहाँ पर इसका विशेष योजना होता है और खासकर हिमाचल में ज्वालामुखी में तो ये बड़ा ही पुण्य फलदायी आयोजन है जिसमें हम सभी अपने पुजारीगण जो हैं वो माता जी का भजन पूजन यज्ञ करते हैं और महामाई से अरेंजमेंट और प्रशासन इसमें विशेष सहयोग देता है। सारा योजना प्रशासन द्वारा किया जाता है जिसमें कम से कम 101 ब्राह्मण बैठकर महामाई का रोज दुर्गा सरस्वती का पाठ गणपति गायत्री पट का सभी सवा लाख जो है उसका जप किया जाता है और नवमी के दिन इसकी पूर्णोती होती है, उसके बाद ब्रह्म भोजन और कन्या नवरात्रों को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? नवरात्रों के लेकर प्रशासन ने यहाँ विशेष व्यवस्था की हुई है, यात्रियों के लिए भी अच्छी सुविधा की हुई है और हो सकता है प्रशासन इनमें अब लंगर को भी शुरू कर दे और दिन पर दिन जो कोविड की वजह से समस्याएं आ रही थी उनको अब निराकरण करते हुए प्रशासन अब जो सुविधाएं उनमें बढ़ोतरी कर रहा है और नवरात्रे जो है ये बड़े ही विशेष रूप में माने जाएंगे और मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि वो ज्वाला जी में आए और माता जी के दर्शन करें। जय माता। माघ शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ परसों 12 फरवरी से किया जा रहा है जिसमें चंडी माँ चंडी का पाठ किया जाएगा और पुरोहित और पंडित विधिवत पूजा करके इसका शुभारंभ करेंगे। तो इस संबंध में मंदिर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इस दौरान
सरकार द्वारा जारी एसओपी का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा।